जिले में रामनवमी पर्व को लेकर पूरे उत्साह का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार की रात स्थानीय गुदरी बाजार पर वादन अखाड़ा और शो प्रतियोगिता आयोजन किया गया। केंद्रीय महावीर मंडल के तत्वाधान में आयोजित सर्वप्रथम बजरंग बली की पूजा एवं आरती की गई। इसके बाद कार्यक्रम आरंभ हुआ। मंचासीन सभी अतिथियों को पट्टी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अखाड़े में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न अखाड़ा के लोगों ने अस्त्र शस्त्र चालन और वादन का जोहार लिखाया। विभिन्न अखाड़े के लोगों ने तलवारबाजी कला लाठी चालन का प्रदर्शन किया। वादन प्रतियोगिता में ताशा एवं ड्रम बजाकर प्रतिभागियों ने लोगों में उत्साह भर दिया। प्रतियोगिता देर रात तक चली। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूर्ण कर लिया गया है। रामनवमी को लेकर लोहरदगा शहर के बीच गुदरी बाजार में स्थित शोक विनाशक श्री संकट मोचन मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। हनुमान मंदिर में लाइटिंग और फूल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसी दिन से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था और धूमधाम से पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज बहुत भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया जो आप लोगों के सामने है। और कल हम लोग शोभा यात्रा में परशुराम की प्रतिमा बनाई गई है। प्रशासन के गाइडलाइन के अनुरूप भव्य तरीके से जोशों खरोश करने के लिए निकाले गए। श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? श्रद्धालुओं से अपील होगा हमारा कोविड को देखते हुए जो सरकार की गाइडलाइन है संयमित रूप से निकाले। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।